बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई कौम जद्दोजहद और कुर्बानियों के बगैर आजादी हासिल नहीं कर सकती। हम सब भाई भाई हैं, ये मस्नूई हदबंदियां हमें अलहदा नहीं कर सकती। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो तो इस पे डट जाओ। मैं आपको मसरूफ होने की ताकीद करता हूँ, काम काम और बस काम, सुकून की खातिर सब्र बर्दाश्त और इंकसारी के साथ अपनी कौम की खिदमत करते जाओ। आखिर ये कहने का क्या फायदा है कि हम सिंधी, पठान या पंजाबी हैं? नहीं, हम सब मुसलमान हैं। इस्लाम ने हमें यही सिखाया है। अपने वतन से मोहब्बत करने वाली और वतन की खातिर कुर्बानी देने का जज्बा रखने वाली कौमें तारीख के सफहात में हमेशा इज्जत और वकार के साथ जगह पाती हैं। हम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। मैं दुरुस्त फैसले लेने पर यकीन नहीं रखता, लेकिन फैसला लेकर इसे एक बेहतरीन फैसला साबित करता हूं। गुलाब को हवा किसी भी नाम से पुकारा जाए, इसकी खुशबू में फर्क नहीं आएगा। कायदे आजम ने फरमाया, उम्मीद अच्छी रखो, लेकिन तैयारी बुरे हालात के हिसाब से करो। मेरे पैगाम का खुलासा ये है कि हर मुसलमान को दयानतदारी, खलूस और बेगर्जी से पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। हर किस्म की जरूरत को पूरा करना और हर तरह के खौफ को दूर करना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आज़ादी, वो उख़वत और मुसावात भी हासिल करना चाहिए जिसकी तालीम हमें इस्लाम ने दी है। कायदे आजम ने फरमाया, नाकामी मेरे लिए एक नामालूम लफ्ज है। जब हुकूमत तारीफ के मुस्तहिक हो तो आप इसकी तारीफ करें, और जब तनकीद के मुस्तहिक हो तो बेखौफी से तनकीद करें। यकीन, नज़्म व ज़ब्त और बेलोस लगन के साथ दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। हम जितनी ज्यादा तकलीफें सहना और कुर्बानियां देना सीखेंगे, उतनी ही ज्यादा खालिस और मजबूत कौम की हैसियत से उभरेंगे, जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बन जाता है। कायदे आजम ने फरमाया, दुनिया में दो कौमें हैं, एक तलवार और दूसरी कलम। इस्लामी तालीमात की दरखशंदा रिवायात और अदबियात में इस अमर पर शाहिद है कि दुनिया की कोई कौम जम्हूरियत में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, जो अपने मजहब में भी जम्हूरी नुक्ता नजर रखते हैं। अगर आप पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क देखना चाहते हैं, तो अपने आराम आसाइश और तफरीहों को भूल जाए, जितना ज्यादा काम कर सकते हैं करें और ज्यादा से ज्यादा वक्त दें।